जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूं उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसने 2 चोरियों में 2000 करोड़ लूट लिया है। ये चोरियां क्यों और कैसे कर रहा है इन सब के बारे में हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। क्या दीपिका पादुकोण बनेंगी धूम 4 की विलेन और क्या अभिषेक बच्चन होंगे रिप्लेस धूम फ्रेंचाइजी से? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म फ्रेंचाइजी धूम की। धूम फ्रेंचाइजी की फिल्म में ACP जय दीक्षित एक पुलिस अफसर और उसके साथी अली अकबर फतेह खान के इर्द गिर्द घूमती है जो पेशेवर चोरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। धूम की फिल्मों के विलेन का रोल अक्सर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स निभाते हैं। ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी है। इस फ्रेंचाइजी की अभी तक 3 फिल्में आ चुकी हैं। धूम जो 2004 में रिलीज हुई, उसके बाद 2006 में रिलीज हुई धूम 2, उसके 7 साल बाद आई 2013 में धूम 3 जो इस सीरीज की सबसे ज्यादा सफल फिल्म रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरहिट फिल्म सीरीज की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल फिल्म का आइडिया आदित्य चोपड़ा को तब आया जब वे अपने पिता के पसंद के एक्शन थ्रिलर फिल्म में एक ब्लैक स्टोन देख रहे थे। फिल्म का टाइटल इसके एक गाने से आया था, धूम मचाले धूम, जिसे थोड़े बदल कर धूम मचाले कर दिया गया। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था और बाद में धूम के उनके बेटे अभिषेक बच्चन को लिया गया। धूम में जॉन अब्राहम ने विलन का रोल निभाया। धूम की पहली फिल्म में जॉन अब्राहम को बहुत पसंद किया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो उस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे? जी हाँ, यश चोपड़ा ने जॉन अब्राहम की भूमिका के लिए पहले संजय दत्त को साइन किया था, लेकिन उनके पास समय नहीं था, इसीलिए दत्त को फिल्म छोड़नी पड़ी। तभी आदित्य चोपड़ा ने खलनायक की भूमिका के लिए एक जवान एक्टर को चुनने का फैसला किया और जॉन को फिल्म में कास्ट किया गया। फिल्म ने जॉन अब्राहम को युवा पीढ़ी के बीच स्टार बना दिया। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी सहित युवाओं के बीच उनके लंबे बाल काफी लोकप्रिय हो गए। वहीं आपको बता दें, धूम के रिलीज होने पर फिल्म को क्रिटिक्स ने बड़ी संख्या में नेगेटिव रिव्यूज मिले। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार करने में सफल रही। इसके बाद आई धूम 2, जिसमें ऋतिक रोशन ने विलेन का किरदार निभाया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धूम 2 पहली हॉलीवुड फिल्म है जिसे ब्राजील में फिल्माया गया था। धूम 2 के लिए फिल्म के सभी लीड एक्टर्स को कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना वजन कम करना पड़ा और ऋतिक रोशन को अपना वजन बढ़ाना पड़ा था। वहीं फिल्म की मार्केटिंग भी बहुत जोरों शोरों से की गई थी। कोका कोला ने फिल्म को कोक उठाले धूम मचाले के रूप में प्रमोट किया था। इस फिल्म के 1200 प्रिंट भारतीय सिनेमाघरों में जारी किए गए, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे ज्यादा थे। ये पक्का करने के लिए कि अगली कड़ी पहले से अलग होगी, जो अपने दमदार मोटरसाइकिल स्टंट के लिए मशहूर हुई थी, निर्देशक संजय गढ़वी ने धूम 2 में बहुत कम मोटरसाइकिल शामिल किए। वहीं मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर ने डर के कारण तेज रफ्तार वाले रैश ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने के लिए कहा, क्योंकि यह फिल्म भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों को तेज गति से चलाने के लिए प्रेरित करेगी, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और ये फिल्म हिट भी रही। दर्शकों ने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया। ये 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। भारत में धूम 2 ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े, मुख्य रूप से ओपनिंग और ओपनिंग वीकेंड के लिए। फिल्म ने मुंबई में पहले हफ्ते में 6 करोड़ और पूरे भारत में 17 करोड़ का कमाई की। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को फ्रेंचाइजी में सीक्वल के मुख्य खलनायक के रूप में पेश किया गया था। कई कोशिशों के बाद ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने इस भी फिल्म में पहली बार साथ काम किया था। वे तनुजा चंद्रा द्वारा निर्देशित एक फिल्म में साथ काम करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। सुशांत सिंह राजपूत धूम 2 के टाइटल सॉन्ग धूम मचाले धूम में एक बैकग्राउंड डांसर थे। इसके बाद 2013 में आई इस फ्रेंचाइजी की सबसे सफल फिल्म, जिसमें आमिर खान ने विलन का रोल निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर पहले इस फिल्म के विलन का रोल नहीं निभा रहे थे? दरअसल शाहरुख खान विलन की भूमिका निभाने जा रहे थे और आमिर खान को फिल्म में पुलिस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन शाहरुख खान ने अन्य फिल्मों की शूटिंग के दौरान लगी चोटों की वजह से फिल्म को छोड़ दिया था। 175 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म का एक गाना कम ली, जिससे कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया था, बॉलीवुड के पहले गानों में से एक है, जिसने यूट्यूब पर 100 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। फिल्म ने दुनिया भर में 590 करोड़ कमाए थे, वहीं जिसने भारत में 380 करोड़ रुपए और विदेश में 217 करोड़ रुपए शामिल थे।
अब सुनने में आया है कि इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म यानी कि धूम 4 भी जल्दी आने वाली है। खबरों में आया था कि सलमान खान और रणवीर सिंह के साथ अक्षय कुमार को धूम 4 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है, लेकिन अभी सुनने में आया है कि इस भूमिका के लिए अक्षय कुमार को पक्का कर लिया गया है। खबरों की माने तो ये भी सुनने में आया है कि दीपिका पादुकोण धूम 4 में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रही हैं और हो सकता है कि इस बार वो विलन का रोल निभाएंगी। अब बस ये उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को हमें जल्द देखने का मौका मिले और हमें पूरा विश्वास है कि धूम 4 बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाएगी। दोस्तों, आप किस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भरकाव ने।